ऑल इंडिया आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। यूपी के पीलीभीत में भले ही योगी सरकार परिवहन नियमों का पालन कराने का दावा पेश करती हो, लेकिन अगर हम हकीकत देखें तो जिले में परिवहन निगम ही परिवहन और यातायात के नियमों का उल्लंघन करती नजर आती है। बता दें कि यूपी में ये जर्जर बसें हजारों यात्रियों की जान जोखिम में डालकर सड़कों पर दौड़ती नजर आ रही हैं। इसके अलावा अगर बात करें बस स्टैंड्स की, तो रोडवेज के पास अपने बस खड़ी करने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है, जिससे बस स्टैंड के बाहर बसों को खड़ा करने से कई कई घंटों जाम की स्थिति से जूझना पड़ता है। 94 निगम बसें हैं, 9 अनुबंधित बसें हैं, जिसमें 4 एसी हैं, 5 आर्डनरी हैं। नई बसें मॉडल के हिसाब से कुछ पुरानी बसें हो गई हैं। हमारी कोई बस ऐसी नहीं जिसकी फिटनेस ना हो। गाड़ियाँ पुरानी हैं और शायद इस साल जो है नई गाड़ियाँ खरीदने का भी बन चुका है। रोडवेज की स्थिति बदतर से बदतर हो रखी है। स्थिति ये हो रखी है, जहाँ रोडवेज है वहाँ यात्री नहीं है, जहाँ रोडवेज नहीं वहाँ यात्री जा रहे हैं। यहाँ का पूरा स्टाफ 37-7 बजते या 8 बजते तुरंत कह देते हैं रोडवेज नौगमा चौराहे पर जाइए, वहाँ सवारी मिलेगी, यहाँ से सवारी नहीं मिलेगी। यहाँ का स्टाफ सबसे ज़्यादा गंदा है, सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है। पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्य अपराध और अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत पुलिस अपराधियों पर लगातार प्रभावी नियंत्रण और कार्रवाई करती दिख रही है। इसी अभियान के तहत हाल ही में थाना सिरसिया पुलिस ने 25 शीशी नाजायज नेपाली शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। तो वहीं थाना महिपल पुलिस ने अवैध देसी तमंचे के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए दोनों आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। उन्नाव पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में है। उन्नाव पुलिस ने सीएम ऑफिस के संज्ञान लेने पर बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल सीएम ऑफिस ने ऐसे नेताओं को लेकर संज्ञान लिए जिन पर किसी भी तरह का कोई भी आरोप हो, साथ ही सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करने के निर्देश दिए और अग्रिम कार्रवाई से अवगत कराने के भी निर्देश दिए, जिसके बाद उन्नाव पुलिस ने आरोपित नेताओं के खिलाफ कई धाराओं में रिपोर्ट लिखी है। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और उत्तर प्रदेश की श्रावस्ती विधानसभा सीट से विधायक रामफेरन पांडे और विधायक पद खतरे में आ गया है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता असलम रायनी ने उनकी विधायकी को हाईकोर्ट में चुनौती दे डाली है। असलम रायनी ने अपनी याचिका में दावा किया है कि बीजेपी विधायक ने नामांकन के दौरान जो हलफनामा दाखिल किया था वो अवैध है। इसके अलावा बीजेपी नेता रामफेरन पर चुनाव आयोग को अपने दर्जनों आपराधिक मुकदमों, शैक्षिक योग्यता, इनकम टैक्स, संपत्ति, बैंक लोन, गाड़ी असलाह को लेकर झूठा हलफनामा दाखिल करने का भी आरोप लगा रहे हैं। मार्च 2022 को जब सारे उत्तर प्रदेश के सभी रिजल्ट घोषित हो रहे थे, तो उस दिन हमको भी 1457 वोट से मैं चुनाव हार गया। 10 दिन तक मैं बैठा रहा। इनके कुछ विरोधी आ करके बताए कि जो इन्होंने पर्चा भरा है माननीय रामचरण भैया ने, वो उन्होंने अपने क्रिमिनल हिस्ट्री को छुपाया। मैंने इस पर विश्वास नहीं किया और मैं अपने सारे वकील, जो मैं खुद एक एडवोकेट हूँ, लग करके इसकी मैंने प्रमाणित कापी मैंने निकलवाई। तो जब प्रमाणित कापी मेरे हाथ लग गई, जैसे ये प्रमाणित कापी, तो मुझे खुद बड़ा आश्चर्य हुआ। विश्व संग्रहालय दिवस के अवसर पर पुरातत्व विभाग द्वारा आगरा के ताजमहल पर छात्र छात्राओं के बीच पेंटिंग और क्विज कंपटीशन आयोजित किया गया। इस दौरान स्थानीय स्कूल के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अधीक्षक पुरातत्वविद राजकुमार पटेल ने लोगों को बधाई देते हुए स्मारकों और राष्ट्रीय धरोहरों को सुरक्षित रखने के लिए जागरूक रहने का संदेश दिया। बता दें कि साल 1977 में पूरे विश्व में 8 मई को विश्व संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। अधीक्षक पुरातत्व विभाग आर के पटेल के मुताबिक आज के दिन ताजमहल में आज़ादी के अमृत महोत्सव की थीम पर क्विज और पेंटिंग कंपटीशन आयोजित किया गया। इसी के साथ ही निजी एनजीओ के बच्चों द्वारा पूर्वी गेट पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अमृत महोत्सव के बारे में जानकारी दी गई।
ताज नगरी आगरा के कॉन्वेंट और मिशनरी स्कूल अब गरीब और असहाय परिवारों के बच्चों को शिक्षा का अधिकार 2009 के अंतर्गत प्रवेश की अनुमति नहीं दे रहे, जिसके चलते बच्चों के भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है। अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। यही कारण है कि लगातार आगरा प्रशासन और शिक्षा विभाग को जानकारी देने के बावजूद भी जब बच्चों को विद्यालयों में प्रवेश नहीं मिल रहा तो उसके खिलाफ अभिभावकों ने कलेक्ट्रेट में पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान अभिभावकों और पुलिसकर्मियों के बीच हुई बातचीत से अभिभावकों ने रोष व्यक्त करते हुए चेतावनी दी और कहा कि अगर 2 दिन में उनके बच्चों को प्रवेश नहीं मिला तो वो कलेक्ट्रेट में आमरण अनशन पर बैठकर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी आगरा प्रशासन और शिक्षा विभाग की ही होगी। हमारे बच्चों का अधिकार नहीं है क्या? हमारे बच्चों का भविष्य के बारे में आपको सोचना नहीं है? स्कूल वालों ने बिल्कुल मना कर दिया। हम इतनी भगदौड़ी करते रहते हैं, कोई परेशानी होगी कि नहीं होगी? शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी करी थी, जियो दिया था कि गरीब बच्चों के एडमिशन भी अब अच्छे स्कूलों में किए जा सकेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी स्कूलों के द्वारा परेशान करा जा रहा है, बच्चों के एडमिशन नहीं लिए जा रहे हैं। अधिकारियों ने लिख रखे जिस तरह से लिखा हुआ है कि राइट टू एजुकेशन, बच्चों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ कितने सारे मासूम बच्चे हैं जिनको एडमिशन नहीं मिल रहा है, स्कूल जाते हैं उन्हें वहां से बेइज्जत करके इंसल्ट करके भगा दिया जाता है, इन मासूम बच्चों का पूरा साल खराब हो रहा है। बिजनौर में सरेआम दारोगा की गुंडई देखने को मिली है। मामला थाना नूरपुर के बुध बाजार का, जहां अतिक्रमण देखकर दारोगा आग बबूला हो गया और उसने सरेआम एक दुकानदार को थप्पड़ जड़ दिए। आदिबद्री भगवान को नए अनाज का भोग लगाने के लिए लाठी डंडों के प्रतीकात्मक युद्ध और नौठा नृत्य के ग्रामीण और तिथियाति साक्षी बने। इसी के साथ 3 दिवसीय नौठा कौथिक पर्यटन एवं सांस्कृतिक विकास मेला संपन्न हो गया। साथ ही कार्यक्रम में महिला मंगल दल प्योरा, बूंगा, नगली, मालसी, स्वालकोट, रंडौली, भलसो, जुलगढ़, जैम, मैतौली, कांसुआ, हरगांव, थापली, खेती, ढमकर आकर्षक कार्यक्रमों से लोगों का भरपूर मनोरंजन हुआ। इसके अलावा मेला स्थल पर लगे इंद्रेश हॉस्पिटल देहरादून के निःशुल्क चिकित्सा शिविर में 700 लोगों का चिकित्सा परीक्षण भी किया गया। आदिबद्री धाम पर्यटन विकास मेला 14 मई से 16 मई 2022 तक आज इसका समापन हुआ। यहाँ भव्य कार्यक्रम पर्यटन एवं विकास सांस्कृतिक विकास मेले के भव्य कार्यक्रम यहाँ आयोजित हुए। 14 मई को जो है बाल कलाकारों बहुत प्रस्तुतियाँ दी हैं। सांस्कृतिक उत्तराखंड सांस्कृतिक विभाग से टीमें आई जो रात भर प्रस्तुतियाँ देती रहीं, और 15 मई को उत्तराखंड सांस्कृतिक विकास मेले की प्रस्तुतियाँ दी। समाजवादी पार्टी के नव नियुक्त जिलाध्यक्ष लाल सिंह लोधी मीडिया से मुखातिब हुए, जहां उन्होंने आगरा में समाजवादी पार्टी को पुनर्स्थापित करने के लिए अपनी प्राथमिकताएं गिनाई हैं। इस दौरान सपा के कई वरिष्ठ नेता नव नियुक्त जिलाध्यक्ष लाल सिंह लोधी के साथ नजर आए। आपको बता दें कि सभी राजनीतिक दल लोकसभा चुनावों की तैयारी में जुट गए हैं। इसी के साथ समाजवादी पार्टी ने अपनी पार्टी के पुराने वफादार जिम्मेदार कार्यकर्ता लाल सिंह लोधी को जिलाध्यक्ष की कमान सौंप दी है। आपको बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनावों में आगरा की 9 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था और कई सालों से समाजवादी पार्टी आगरा में लोकसभा और विधानसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। हालांकि लाल सिंह लोधी के जिलाध्यक्ष बनने के बाद समाजवादी पार्टी कितना जन समर्थन हासिल करती है, ये तो देखने वाली बात होगी। इतनी बड़ी जिम्मेदारी इनको छोटे से कार्यकर्ता को दी, और मैं आपको पूरा विश्वास भरोसा दिलाता हूँ, मैंने पूर्व में भी जनसभा का अध्यक्ष रहा, विधानसभा का चुनाव लड़ा, जहाँ भी जो जिम्मेदारी माननीय अखिलेश यादव जी ने दी हमने बखूबी से उसको निभाया है। और जो भी जनता की समस्याएं हैं, किसानों की समस्याएं हैं, नौजवानों की समस्याएं हैं, जो महंगाई बढ़ रही है, उस पर समाजवादी पार्टी बढ़ चढ़ कर आंदोलन करने का काम है। पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद, जिन्होंने एक जमीन से जुड़े कार्यकर्ता को तमाम विभिन्न जिम्मेदारियाँ शुरू से पार्टी का जिम्मेदारी समझते हुए, चाहे यूथ में रहे हों, चाहे विधानसभा का चुनाव लड़े हों, खुद सीधे से तमाम जिम्मेदारी पार्टी की लाल सिंह जी ने निभाई। और निश्चित तौर पर जो उम्मीद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आप पे जताई है, उसमें आप खड़े उतरेंगे, पार्टी को, संगठन को देहात में से, शहर से लेकर देहात तक मजबूत करने का काम करेंगे।
खबर ताज नगरी आगरा से है, जहां एक बार फिर सजेगा हुनर हाट का मेला, जिसमें दुनिया भर के शिल्पकार सजाएंगे बाजार। बता दें कि अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हुनर हाट का उद्घाटन करेंगे। सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक लगने वाली हुनर हाट में लोगों को प्रवेश मिलेगा। पंकज उदास समेत दलेर मेहंदी जैसे नामी कलाकार लोगों का मनोरंजन करते हुए नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश में फिर एक बार सड़क सुरक्षा को लेकर लोग जागरूक होते दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में जिला बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व माध्यमिक पुलिस लाइन से स्कूली बच्चों द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान रैली निकाली गई। अभियान रैली को मुख्य विकास अधिकारी केपी सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि इस कार्यक्रम में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, साथ ही बच्चों ने तरह तरह के अंदाज में सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक किया। को लेकर जागरूकता अभियान के अंतर्गत बेसिक शिक्षा विभाग के जो हमारे प्राइमरी स्कूल हैं उनके बच्चों द्वारा एक अवेयरनेस रैली निकाली गई है। ये रैली जो हमारे बिजनौर के शहर के जो स्थानों पर घूमेगी और लोगों को जागरूक करेगी। अन्य भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं RTO साहब के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से और जिला प्रशासन के माध्यम से, क्योंकि सड़क दुर्घटनाओं। और अब खबर बुलंदशहर से, जहां कुख्यात 10 अंतरजनपदीय बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा है। रात में थाना चौला पुलिस ग्राम पचौता गेट के पास पुलिस की चेकिंग के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आपसी मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। बता दें कि पकड़ा गया लुटेरा थाना चौला जनपद बुलंदशहर का निवासी है। फिलहाल घायल अपराधी को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जबकि कुछ बदमाश पुलिस को चकमा देकर मौके से भागने में कामयाब रहे। और अब खबर शाहजहांपुर से, जहां फिर एक बार धर्म परिवर्तन को लेकर बड़ी खबर सामने आई। जहां मोहम्मद गुलनाज ने अपने पुराने धर्म में वापस आने की कोशिश की है। गुलनाज के मुताबिक वो खानदानी हिंदू था, लेकिन मुस्लिम शासकों ने उसका धर्म परिवर्तन करवा दिया। इसी के चलते उसने सनातन धर्म में वापसी कर ली है। आपको बता दें कि हिंदू संगठनों ने इस व्यक्ति का स्वागत करते हुए हिंदू तौर तरीकों से गुलनाज का धर्म बदलाव किया। फिलहाल गुलनाज हिंदू धर्म स्वीकार करके खुश है। और अब खबर श्रावस्ती से, जहां भाजपा विधायक को हाई कोर्ट ने तलब किया। बता दें कि मौजूदा विधायक के खिलाफ असलम रायनी ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। चुनाव याचिका में विधायक राम फेरन पर चुनाव आयोग को अपने दर्जनों आपराधिक मुकदमों, अपनी शैक्षिक योग्यता, इनकम टैक्स, संपत्ति, बैंक लोन, गाड़ी असलाह को लेकर झूठा हलफनामा दाखिल करने का आरोप लगाया गया है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।